क्या कोई 300 करोड़ रुपए कमाने वाला हीरो फ्लाइट के इकोनॉमी क्लास में लोगों के बीच बैठकर ट्रैवल कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड का शायद ही कोई ऐसा स्टार होगा जो इस तरह से हमेशा लोगों के बीच बैठकर ही ट्रैवल करता हो, लेकिन कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड के इस भ्रम को तोड़ दिया है। अभी हाल ही में कार्तिक राजस्थान के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुंबई से वो फ्लाइट के इकोनॉमी क्लास में चढ़े और वहां से लौटते हुए भी वो इकोनॉमी क्लास में ही वापस आ रहे थे। कार्तिक कोट पैंट पहनकर बैठे थे, लेकिन शायद किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कार्तिक आर्यन है। लोगों का तो उन पर ध्यान भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक एक शख्स ने उन्हें पहचान लिया और फिर तो फ्लाइट में हल्ला ही कट गया। लोग उन्हें देखकर इतना खुश हो गए कि उनके चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही थी। कार्तिक खड़े हुए और सबका अभिवादन किया। लेकिन कार्तिक ने ऐसा पहली बार नहीं किया, बल्कि वो तो हमेशा यही करते हैं। हर महीने करोड़ों की दौलत कमाने वाले कार्तिक ने कभी पैसों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो आज भी इसी तरह हमेशा इकोनॉमी क्लास में ही लोगों के बीच बैठकर ट्रैवल करते हैं। कार्तिक वो हीरो हैं जो आज भी सड़कों के किनारे लगने वाले ठेलों पर जाकर खाते हैं। इस साल कार्तिक ने बड़े बड़े स्टार को धूल चटा दी है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 2 ने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है। कार्तिक बड़े स्टार बन गए हैं, लेकिन उनमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। कई एक्टर मीडिया के कैमरे खुलते ही बदल जाते हैं और कैमरा बंद होते ही उनका व्यवहार एकदम से चेंज हो जाता है, लेकिन कार्तिक वो स्टार हैं जो कैमरे के आगे तो अच्छे हैं ही, कैमरे के पीछे तो वो और भी बड़े दिलदार हैं। मीडिया भी इसीलिए कार्तिक से बहुत प्यार करता है। आज लोगों को ऐसे हीरो की जरूरत है जो उनका अपना स्टार हो, जो उनके बीच बैठता हो, उनसे दो बातें करता हो। कार्तिक बिल्कुल यही स्टार हैं। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।